पूरा देश बर्बाद करने वाले लोग देश में सत्ता में काबिज हैं। जिस सर्वोच्च न्यायालय में लोग ये सोच के जाते हैं यहाँ से न्याय मिलेगा, कई बार उनके निर्णयों में न्याय नजर नहीं आता। किसी बड़े आदमी को गिरफ्तार करने की बात आ जाए, गिरफ्तार कर लिया जाए, तो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रात को 2 बजे सुनवाई करके बेल दे देते हैं। जिस वक्त हम अपनी जाति को ऊंचा बताते हैं, जिस वक्त हम अपनी जाति पे गर्व करने की बात करते हैं, जिस वक्त हम जाति का गुणगान करते हैं, उसी वक्त हम जाति व्यवस्था को मजबूत करते हैं, ऊंच नीच पर आधारित व्यवस्था को मजबूत करते हैं। अग्निपथ योजना में जाति पूछी जा रही है, जब पूरे देश के लोगों ने कहा जब रिजर्वेशन ही नहीं है तो हम जाति किस लिए पूछ रहे हैं। तो हमारे देश के माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बड़े शर्म के साथ कहते हैं, वो कहते हैं पहले से चला आ रहा है, अंग्रेजों के टाइम से। अरे मैं पूछना चाहता हूँ, अग्निपथ पहले से कहाँ चली आ रही है? ये तो आपने बनाई है, तो उसमें जाति का कॉलम क्यों रखा आपने? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जाति पूछ के ही भर्ती करोगे? और आप कोई चीज जातिवाद नहीं करते, पक्षपात नहीं करते, तो मैं पूछना चाहता हूँ, जमीन को क्या कोई अपनी माँ के पेट से लेकर पैदा हुआ है? अगर जमीन को कोई अपनी माँ के पेट से लेकर पैदा नहीं हुआ तो कुछ ही लोग जमीन के मालिक क्यों हैं? सच बताऊं तो मेरा बिल्कुल भाषण देने का मन नहीं है, क्योंकि जो लोग देश के 90% संसाधनों पर कब्जा कर चुके हैं, जो लोग आजादी के आंदोलन में कभी शामिल नहीं हुए, जो लोग देश को जाति और धर्म के नाम पर बांट रहे हैं, जिन लोगों ने देश की सत्ता, देश का न्यायालय, देश की सेना और देश के तमाम संसाधनों पर कब्जा कर लिया है, जो लोग देश में नफरत का माहौल बना रहे हैं, उन्होंने देश पे कब्जा कैसे किया, कभी इसकी स्ट्रेटेजी मंच पे डिस्कस नहीं की। जिन लोगों का सारा हक छीना है, जो आज हकमारी की बात कर रहे हैं, वो खुले में ऐसे मंच पे स्ट्रेटेजी की चर्चा करते हैं, तो मैं तो कोई चर्चा आपकी इसमें बिल्कुल भी अपनी बात नहीं रखना चाहूँगा। जो बात रखनी है, कुछ करना है, तो ढंग से कुछ बंद कमरे में डिस्कस करें, अन्यथा आप जानते हैं वी द पीपल, पैगाम, ओबीसी महासभा, मंडल आर्मी, यदुवंशी समाज, जाटो महासभा, कोली क्षत्रिय महासभा, कुर्मी क्षत्रिय महासभा, तुम सारे क्षत्रिय बन जाओ पहले, सबको होड़ लगी है क्षत्रिय बनने की। अरे भाई कभी अच्छे इंसान भी बन जाओ, पूरा देश बर्बाद करने वाले लोग देश में सत्ता में काबिज हैं। आज जिस सर्वोच्च न्यायालय में लोग ये सोच के जाते हैं यहां से न्याय मिलेगा, कई बार उनके निर्णयों में न्याय नजर नहीं आता। किसी बड़े आदमी को गिरफ्तार करने की बात आ जाए, गिरफ्तार कर लिया जाए, तो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रात को 2 बजे सुनवाई करके बेल दे देते हैं। और किसी व्यक्ति पर केस बनाकर उलझलूल मुकदमे दर्ज करके उनको महीनों महीनों में जेल में रखा जाता है। अगर उनको न्याय नहीं मिल रहा तो क्या सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगेगा? आखिर बेल देने का आधार क्या है? आपकी डिस्क्रेशन है, आप चाहे तो दे दें, नहीं चाहे तो ना दें। देने के लिए आपको लिखना है इन्वेस्टिगेशन इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, इज नो मोर रिक्वायर फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, सो आई इंक्लाइन टू ग्रांट बेल। और जिसकी डिसमिस करनी है उसमें लिख दो देर आर वेरी सीरियस एलिगेशंस, इन्वेस्टिगेशन इज येट टू बी कंप्लीटेड, देर आर एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ टेम्परिंग विद द प्रोसिक्यूशन विटनेसेस,
सो आई डिक्लाइन टू ग्रांट बेल। दोनों शब्द ही तो बदलने हैं बस, डिस्क्रेशन आपके हाथ में, आप चाहे तो दे दे चाहे तो रिजेक्ट कर दे। जिन लोगों के बयान मात्र पे लोगों खून बहलाता है, लोग हत्या करने पे उतारू हो जाते हैं, ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन मिल जाती है। जो लोग न्याय की बात करते हैं, सच को उजागर करते हैं, ऐसे लोगों को मुकदमे बनाकर जेल में डाल दिया जाता है, उनको न्याय मिलता नहीं है। ओबीसी 52% और पूरे बहुजन 88% भीख मांग रहे हैं केंद्र सरकार से, जातिगत जनगणना करा दो, बैलेट पेपर से चुनाव करा दो। वे मांगने से तो मिलने वाला है नहीं, इस लड़ाई को लड़ना होगा। लेकिन ये वो लड़ाई नहीं है कि आप तलवार से लड़ोगे, बंदूक से लड़ोगे, ये लड़ाई विचारधारा की है, और विचारधारा की लड़ाई को विचारधारा से लड़ा जाता है। जाति की वजह से जातिगत उत्पीड़न है, सब लोग अपने अपनी जाति को महान बता रहे हैं, कह रहे मेरी जाति ज्यादा ऊंची है। जिस वक्त हम अपनी जाति को ऊंचा बताते हैं, जिस वक्त हम अपनी जाति पे गर्व करने की बात करते हैं, जिस वक्त हम जाति का गुणगान करते हैं, उसी वक्त हम जाति व्यवस्था को मजबूत करते हैं, ऊंच नीच पर आधारित व्यवस्था को मजबूत करते हैं। तो ये जाति पे गर्व क्या करना, गर्व ही करना तो अपने अच्छे कर्म पे करो और अपने बुरे कर्म पे शर्म करो। अभी आप देख रहे हैं जो अग्निवीर पैदा किए जा रहे हैं, अग्निपथ योजना में जाति पूछी जा रही है, जब पूरे देश के लोगों ने कहा जब रिजर्वेशन ही नहीं है तो आप जाति किस लिए पूछ रहे हैं। तो हमारे देश के माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बड़े शर्म के साथ कहते हैं, उनको शर्म भी नहीं आती, वो कहते हैं पहले से चला आ रहा है अंग्रेजों के टाइम से। अरे मैं पूछना चाहता हूं अग्निपथ पहले से कहां चली आ रही है, ये तो आपने बनाई है, जो स्कीम आपने बनाई है, उसका फॉर्मेट आपने डिजाइन किया है, उसकी टर्म कंडीशंस आपने डिजाइन की है, तो उसमें जाति का कॉलम क्यों रखा आपने। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जाति पूछ के ही भर्ती करोगे, दलित पिछड़े आदिवासी वंचित समाज के लोग, रिलीजियस माइनॉरिटीज के लोगों को आप वंचित या तो भर्ती नहीं करोगे, और किसी वजह से बहुत अच्छे लोग मिलकर आपने भर्ती कर भी लिए, 75% को निकालोगे, 25 को फिर आगे मौका मिलेगा, उस 75 में इन सब की छटनी हो जाएगी, क्योंकि आपको तो जाति पता है, पर आप कोई जातिवाद नहीं करते, पक्षपात नहीं करते। तो मैं पूछना चाहता हूं, जमीन को क्या कोई अपनी मां के पेट से लेकर पैदा हुआ है। अगर जमीन को कोई अपनी मां के पेट से लेकर पैदा नहीं हुआ तो कुछ ही लोग जमीन के मालिक क्यों हैं, उसमें हमारा बहुजनों का हिस्सा कहां है। यह लड़ाई विचारधारा की है। देशभक्ति का सर्टिफिकेट वो लोग बांट रहे जो देश के अंदर जाति और धर्म के नाम पर उन्माद कर रहे हैं। डरने से काम नहीं चलेगा। ये लोग ईडी का छापा लगा सकते हैं, इनकम टैक्स का लगा सकते हैं, सारी एजेंसी इनके पास है। जितने भी करप्ट लोग, जितने राष्ट्रद्रोही लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं, जाने के बाद वो वाशिंग मशीन है बीजेपी, सबके पाप भूल जाते हैं, उनके खिलाफ कोई छापा नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से कह देना चाहता हूं, माननीय मोदी जी, जितने छापे लगाने लगा लो, आपको जेल में डालना है डाल दो, लेकिन ये न्याय की लड़ाई बहुजन समाज के लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। हमें लड़ना भी आता, हमें जीतना भी आता, आपको लड़ना नहीं आता, क्योंकि आपने देश की आजादी की लड़ाई में आपके लोगों ने हिस्सा नहीं लिया। कुर्बानी दी है तो हमारे लोगों ने दी है। आप अजर अमर नहीं है, आप सोच रहे हैं कि आप अजर अमर, आपकी सत्ता केंद्र में सत्ता में आगे पूरी जिंदगी आप रहोगे और आपके बाद आपके बच्चे रहेंगे। आपको भी एक दिन जाना होगा। अपने आचरण में सुधार लाइए। आप देश के राष्ट्रपति, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी एक जाति धर्म के प्रधानमंत्री नहीं है। जब आप कोई सार्वजनिक कोई काम करते हैं, उद्घाटन करते हैं,
उसमें धर्म विशेष के लोगों को बुलाकर उद्घाटन करना, वो कोई भी सरकार हो, देश के संविधान के हिसाब से भारत सेकुलर है। भारत में या तो आप सारे धर्मों के धर्मगुरुओं को बुला लो या फिर किसी को भी मत बुलाओ, क्योंकि ये कोई अच्छा संदेश नहीं दे रहे हैं आप भारत को कमजोर कर रहे हैं। बाकी रही बाकी चीजें, जो ईवीएम, मुझे लगता है बैलेट पेपर की डिमांड मजबूत होनी चाहिए और वो सरकार को माननी चाहिए। इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र है, उसे टूल बन के काम नहीं करना चाहिए। जिस जनता को सरकार को चुनना है, जिसको वोट डालनी है, जब उसके ईवीएम पे भरोसा ही नहीं है, और जिन देशों ने ईवीएम का निर्माण किया वो उसको इस्तेमाल नहीं करती, फिर आप जबरदस्ती ईवीएम क्यों थोप रहे जनता के ऊपर? ईवीएम खत्म होनी चाहिए, जातिगत जनगणना होनी चाहिए, पता तो लगे कि देश में जनसंख्या के अनुपात में सबको हिस्सेदारी भागीदारी मिल रही है या नहीं मिल रही है। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, पैगाम के साथियों से भी, वी द पीपल के साथियों से भी, यदुवंशी महासभा से भी, कोली समाज से भी, सबसे, जितने भी संगठन यहां हमारे बैनर पर दिख रहे हैं, आप लोग एक बात अपने दिमाग में बिठा लो। एक महीने में एक बड़ा प्रोग्राम मंच का करते रहते हो, लाखों रुपया खर्च करते हो, इससे ना तो मूवमेंट खड़ा होगा ना लड़ाई जीत पाओगे। आप लोग ग्रुप बनाइए, चार चार लोगों का ग्रुप बना के कॉलोनियों में, बस्तियों में, गांवों में, देहात में, क्योंकि जिस विचारधारा के आपके साथ लड़ाई है, जो अन्यायपूर्ण विषमतावादी ताकते हैं, वो लोग रात दिन घर घर में जाकर उनके लोग काम कर रहे हैं। हमारे लोग घर घर में जाके काम करने की बजाय ऐसी सभाओं में भाषण देकर सोच लेते हैं मेरे हिस्से की जिम्मेदारी मैंने निभा दी, इससे काम चलने वाला नहीं है। ये धोखा आप किसी और को नहीं, अपने आप को ही दे रहे हो, चाहे मैं भी आप में शामिल क्यों ना हो। ये धोखा हम अपने आप के साथ कर रहे हैं, ये अपने आप को खुद को संतुष्ट करने वाली बात है, इससे काम आगे नहीं बढ़ेगा। काम को आगे बढ़ाना है तो हमें गाँव में, देहात में, गलियों में, मोहल्लों में, कॉलोनियों में जाकर अपने छोटे बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपने रिश्तेदारों को, सबको घर घर जाके हमें उनका दिमाग से काई उतारनी पड़ेगी, ओवरहॉलिंग करनी पड़ेगी। जब जो इंजन के अंदर, गाड़ी के इंजन में कचरा आ जाता है, वो आवाज़ करने लगता है, गाड़ी रुक जाती है बीच बीच में, अल्टीमेटली मैकेनिक पूरी गाड़ी के इंजन को खोल कर उसका ओवरहॉलिंग करता है ना, तो हमारा समाज इंजन की ओवरहॉलिंग कब करेगा? हमें फॉर्मेलिटी से काम नहीं चलेगा इससे, ये तो आत्मुग्ध होने वाली बात। हम भाषण दिया, हमने दिया, हमने सुन लिया, जो लोग यहाँ बैठे हैं ना, क्या भाषण सुनाए हम? सारे एक से एक बहुत बढ़िया बोलने वाले स्पीकर से, फर्क सिर्फ इतना है किसी को बोलने का मौका मिलता है, हम जैसे लोगों को किसी को नहीं मिलता। लेकिन हम ही बोलने वाले और हम ही सुनने वाले, हमारी बात पहुँचे कितने लोगों तक, ये महत्वपूर्ण है। और फिर एक और बात है, यहाँ पर बोलना, यहाँ बोलने की एक सीमा है, समय की भी सीमा और शब्दों की भी सीमा है। यहाँ तो शब्दों का चयन करना पड़ेगा, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। कुछ बातें होती हैं जो समाज के साथ, घर घर में जाके, परिवार के साथ है, कि अपने समाज के एक एक व्यक्ति तक, 7 लाख के करीब गांव है, एक एक गांव तक पहुँचना, एक एक घर तक पहुँचना, पूरी स्ट्रेटेजी के साथ काम को आगे बढ़ाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। वो मंचों के प्रोग्राम करके भाषण देने से पूरे नहीं होंगे, हम विफल हो जाएंगे, हार जाएंगे। या आपको तय करना, आपको हारना है या जीत हासिल करनी है। जीत हासिल करनी है तो फील्ड पे उतरना होगा। जब कभी नहर का निर्माण करना होता है, स्ट्रेटेजी बनती है, पेपर डॉक्यूमेंटेशन तैयार होता है, कंसल्टेंट की रिपोर्ट बनती है, लेकिन वो रिपोर्ट पेपर पर रहती है जब तक उसको फिर फ्लोर पर जाके, जंगल में जाके उसको खुदाई करके उसको अंजाम तक नहीं पहुँचाया जाता, तब तक तो वो पेपरों में दफन होती हैं। ऐसी पता नहीं लाखों बिल्डिंगें पेपरों में दफन है जो फ्लोर पे नहीं आई हैं। फ्लोर पे लाने के लिए हमें जमीन पे उतरना होगा। मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी स्ट्रेटेजी है, बहुत सारा दर्द भी है, उसको मैं यहाँ सारा उगल दूँ तो कोई ज़्यादा हासिल होने वाला नहीं है। इसी बात को मैं चाहूँ तो 1 घंटे तक बोलता रहूँ। सब्जेक्ट ऐसा है हमारे, इतने मुद्दे, इतना दर्द है दिल के अंदर, उसको बखान करना शुरू करें तो घंटों तक कर सकते हैं, पर उससे रिजल्ट तो कुछ नहीं आएगा ना। सब लोग का अपना अपना रोल है। हमारे रतनलाल जी जैसे, शंभू जी जैसे, लक्ष्मण यादव जैसे लोग, वो अपने हिस्से का रोल निभा रहे हैं।
वो अपने टीवी के चैनल के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, पहले अध्ययन करते हैं। ऐसा नहीं है कि सीधे चैनल पर बैठ के बोलना शुरू कर दिया। बोलने से पहले, आधा घंटे के बोलने से पहले 4 घंटे की पढ़ाई करनी होती है। तो वो अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। आर्मी में कई तरह के पद होते हैं, स्ट्रेटेजी बनाने वाले अलग है, तोपखाना संभालने वाले अलग है, एयरफोर्स के लोग अलग है, नेवी के लोग अलग है। उसी तरह समाज की लड़ाई के लिए अलग अलग तरह की फोर्स तैयार करनी पड़ेगी। विचारधारा का काम, सोचने का काम दूसरा व्यक्ति करे, उसको इम्प्लीमेंटेशन करने का काम दूसरे व्यक्ति करे, साधन जुटाने का काम तीसरा व्यक्ति करे। जब स्ट्रेटेजिकली पूरी रणनीति बनेगी तो आपकी सबसे बड़ी ताकत अगर कोई है ना, तो वह आपकी संख्या है। आप 110 करोड़ है यार, अपनी वैल्यू समझो ना। 110 करोड़ लोग जितना महीने में खर्च करते हैं, अगर वो सिर्फ इतना तय कर लें कि जिन्होंने हमारा हक मारा, हमारा पैसा उनके घर में नहीं जाएगा, उनकी इंडस्ट्री धड़ाम से गिर जाएगी, उनकी इंडस्ट्री चल नहीं पाएगी। हमने कोविड के दौरान देखा, जिन लोगों ने इस तरह का सोशल मीडिया पर डाला, प्रचार किया, समाज में प्रचार किया, अमुक धर्म के लोगों से आपको सब्जियां नहीं खरीदनी, सामान नहीं खरीदना, उनकी दुकान से कुछ नहीं खरीदना, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर बहुजन समाज के लोगों ने तय कर लिया कि जिन्होंने हमारा हक मारा है, हमें उनके यहां से कोई सामान नहीं खरीदना, उनकी सारी इंडस्ट्रीज बंद हो जाएगी। ऐसे देश नहीं चलता। यह विविधताओं का देश है, विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं, हर 50 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है, संस्कृति बदल जाती है। देश सबसे मिलके बनाए, इस तरह बांट के आप देश को बांटने का काम कर रहे हो। और दुख तो तब होता है जब केंद्र की सरकार देश बांटने का काम कर रही है, क्योंकि वही तो समाज को बांट रही है, उसी के नेतृत्व में समाज में नफरत पैदा की जा रही है। तो साथियों, इनको अपना देश बांटने की साजिश को रचने दो, बहुजन समाज के लोग देश बचाने का काम करेंगे। हमारे हक को कोई बचा सकता तो भारत का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया, हम भारत के संविधान को बचाने का काम करेंगे। ये मनुस्मृति को लाना चाहते हैं और हम संविधान को बचाना चाहते हैं। अब आपको तय करना है, आपको देश बचाना है या अपने बच्चों के भविष्य को अंधकार में डालना है। इन्हीं शब्दों के साथ, ज़्यादा मेरी बोलने की इच्छा नहीं, इतनी भी बोलने की इच्छा नहीं थी जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मन में कोई खुशी नहीं है। जो हो रहा है, जो चल रहा है, जो हम भी कर रहे हैं, उससे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है। कुछ अलग सोचिए, बंद कमरे से अलग भी कहीं बुलाइए, इस तरह के ऑडिटोरियम या हॉल से अलग कहीं अलग बुलाइए, कहीं बैठ के कुछ स्ट्रेटेजिकल चर्चा करते हैं, समाज के ऊपर कुछ रणनीति बनाते हैं, अपने समाज की आर्थिक उन्नति के लिए भी योजना बनाते हैं, अपने समाज के सशक्तिकरण के लिए योजना बनाते हैं, और भारत को मजबूत करने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए योजना बनाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं सीधा ऑफिस से आया हूँ, लेकिन अभी 15 मिनट बैठ के एक को और सुनूंगा, उसके बाद निकलना होगा। ये मत कहना आए जल्दी है, मुझे 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका है, मैं 15-20 मिनट और बैठ पाऊंगा। थैंक यू। नमो बुद्धाय, जय भीम।